हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऑर्डर किया है अप टाउनी से, और कुछ टॉप्स मैंने मंगवाए हैं विच इज़ फ्रॉम न्यू मी। और अभी तो सारे सभी स्टॉक्स सो अभी तो सभी स्टॉक में हैं। सो देखते हैं, अपटाउनी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, उनके कलेक्शन इतनी अच्छे लग रहे थे तो मैंने सभी टॉप्स ही मंगवाए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सभी ट्राई करके देखे, अराउंड 15 टॉप्स है जो मैंने परचेज किए हैं। और इतनी सही क्लासी, आप कुछ अच्छे टॉप्स देखना चाहते हो सो स्टे ट्यून रहना, वीडियो एंड तक देखना। जो भी आपकी फ्रेंड इस टाइप में टॉप्स वेयर करती है उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई एम इन लव। इतने सारे अच्छे अच्छे टॉप्स मुझे रिसीव हुए हैं, आई स्वेयर आपको इसमें से बहुत सारे टॉप्स अच्छे लगेंगे। मे बी आपने ये बहुत बार देखे होंगे, कार्ट में ऐड करके रखे होंगे। और अप टाउनी मिंत्रा पे भी है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, और न्यूमी को तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। सो सारे मिक्स हैं, और प्राइस मैं साइड में लगा दूंगी। और कैसे दिख रहे थे और कैसे आए हैं, क्या उनको वेयर करना, न्यूमी के टॉप समझने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं, हाउ टू वेयर इट। और सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला व्हाइट कलर का टॉप है जो कि ट्यूब टाइप टाइप में आता है। मैंने इसको इतना रगड़ के पहना है ना, फिर भी मैंने अभी तक इसका टैग भी नहीं निकाला। ओके, सो लीव इट। व्हाट आई लव इन दिस टॉप, पहली बात तो मैंने इसे ये न्यूमी का है। मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा जब मैं इसे वेयर किया, तो काफ़ी अलग अलग वैसे इसे स्टाइल कर सकती हूँ मैं, एज अ पार्टी वेयर भी मैं इसे वेयर कर सकती हूँ, स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ। और मैंने एक हार ये मतलब नेकलेस के साथ में भी इसे स्टाइल किया था। आप देखना कि ये कैसा लग रहा है। मैंने इसे परचेस किया है स्मॉल साइज में, मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ, और इसका जो कलर है अमेजिंग। अगर आप इस टाइप में कोई ट्यूब टॉप देख रहे हो तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसका लुक देखना। बीच में एक ट्यूब टाइप में इनर मिलती है, एंड देन आपको जो नेट का जो नेट लगी हुई है ऊपर से, सो ये लुक भी काफ़ी लुक को भी काफ़ी इन्हांस करता है। अगर आप हेवी बस्ट है तो इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा, बट आपके मीडियम टू लो ब्रेस्ट साइज है तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। हेवी बस्ट के लिए इतना अच्छे से वो सपोर्ट नहीं करेगा, लुक भी इतना अच्छा नहीं आएगा, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अलग अलग वैसे स्टाइल कर सकते हैं, मैंने तो व्हाइट कार्गो के साथ स्टाइल किया है, आप चाहो तो स्कर्ट के साथ या फिर बहुत अलग अलग वैसे इसे स्टाइल कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत सही है, मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूंगी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, जो नेक्स्ट टॉप है ना, वो भी अगेन मेरा फेवरेट टॉप है, जस्ट बिकॉज ऑफ लुक एट दिस, दिस इज फ्रॉम अपटाउनी। और ना इसकी कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, ये पिंक के साथ ऑरेंज कलर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया। और मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये कॉम्बिनेशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आएगा। स्पेशली पहली बात तो इसका जो लुक है, आप पूरा स्क्रीन पे देखना, इसका जो फिट आ रहा है, इट्स टू गुड। फैब्रिक इज सो स्ट्रेचेबल, सो सॉफ्ट अंदर के साइड में, बाहर सबको थोड़ा सा लाइनिंग वाला लगेगा, बट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा फैब्रिक मुझे लगा। पिंक के साथ ऑरेंज कभी मैंने सोचा ही नहीं था, बट जब ये निकल के आया ना इसका लुक, 10/10 ज़रूर ट्राई करना, बहुत प्रिटी लगेगा। और आप इसके ना जो गले में डालते हैं ना, ये एक यूनिक सा पैटर्न भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडी लुक करता है। और ये मैंने मिंत्रा पे बहुत बार देखा था, बट फिर मैंने इसको फाइनली ले लिया, और मैंने इसे परचेस किया है स्मॉल साइज में, और ये मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत प्रिटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ना मैं जिस टॉप की बात कर रही थी, विच इज़ फ्रॉम न्यूमी, व्हाइट कलर का टॉप है, आप देखना, इसको समझने के लिए मुझे 5 मिनट लगे कि कैसे वेयर करना है। आप देखो कि क्या है ये, मतलब आपको समझ में आएगा। ये तो इजी है, मान के चलो कि ये श्रग है और ये ऐसा वेयर करना है, बट कि इसके अंदर ये जो दिया हुआ है ना, इसको आपको क्रिस क्रॉस करके पहनना है, विच इज़ टू डिफिकल्ट ऐसा मुझे लग रहा था, बट मुझे इसकी ट्रिक पता चल गई, तो इट्स सो इजी। और फिर जो लुक निकल के आया ना, काफ़ी क्लासी कोरियन स्टाइल में वाइब देता है, आपको एकदम स्टाइलिश टॉप पसंद है ना, जस्ट गो विद दिस वन, ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं है। और ना मुझे इस टाइप में नेकलाइंस बड़े पसंद आते हैं, सो दैट्स वाई मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। और इसका जो कलर है ना, बहुत निखर के आ रहा था, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। फैब्रिक इसका अच्छा है, ओके है, व्हाइट कलर में कुछ अच्छा फुल स्लीव का टॉप देखना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। अब बाकी का लुक और फिट इसका देख लो, स्मॉल साइज में परचेस किया है, अकॉर्डिंग टू तो प्राइस ये भी सही है। मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत कम साइज मतलब प्राइस रेंज में आऊँ, तो ताकि मतलब क्योंकि न्यूमी पे जाते हो तो 1200-1300 के भी टॉप्स आते हैं, तो मैंने थोड़ा कम बजट के देखने की कोशिश की है। सो अब ये पिंक वाला देखते हैं।
और पता नहीं मतलब अप टाउनी पे पिंक पिंक का उनका शायद से पिंक फेवरेट कलर है, तो मैंने कुछ ज्यादा ही पिंक मंगवा लिए, दो से तीन चार टॉप पिंक कलर के हैं। सो लुक एट दिस टॉप, काफी सही मुझे रिसीव हुआ है। इमेज देखना आप इसकी, इसके साथ में हमें ये रिसीव हुआ है, मैंने इसे ऑर्डर किया है स्मॉल साइज में। इसका फैब्रिक अराउंड इनके सभी फैब्रिक है ना सेम ही आते हैं अपटाउनी के, बट इस स्लीवलेस सा टॉप है और काफी यूनिक है, अच्छा है। आप बहुत अलग अलग वैसे इसे स्टाइल कर सकते हो, अगर आप इस टाइप में कोई टॉप देख रहे हो ना तो आपको जरूर पसंद आएगा। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल है, पीछे से भी आप इसका लुक देखना कैसा लग रहा है, मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसमें कलर्स भी अवेलेबल होंगे तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, अगर होंगे तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ऐसे मुझे पिंक कलर भी बड़ा अच्छा लगा और आजकल चल भी बहुत रहा है, सो दैट्स वाई सब रिकमेंड करूंगी, अच्छा है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एक हेल्दी और अच्छी स्किन के लिए कोई अच्छा स्किन केयर भी बहुत जरूरी है। फॉर दैट आई हैव अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू गाइस, बीटरूट जेंटल फेस वॉश, क्लींजिंग जेंटली टू गिव अ पिंक ग्लो, मेड सर्टिफाइड एंड सुटेबल फॉर एवरीडे यूज। आफ्टर यूजिंग इट आई फील वेरी लाइट वेट एंड माई स्किन इज सो सॉफ्ट, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग बीटरूट हाइड्रेटफुल मॉइस्चराइजर विच मॉइस्चराइज माई स्किन वेरी वेरी वेल। इट हैज अ लाइट वेट जेल टेक्सचर, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। Instantly hydrate skin to give a pink glow and it has a goodness of beetroot and hyaluronic acid. So this is one of my favorite beetroot hydrateful face wash and moisturizer. Just give it a try. And guys, all Mamaearth products are free from harmful chemical and all are natural. All Mamaearth products are available on Mamaearth website, Mamaearth application, Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple. As you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart, but they are also now available on store near to you. Message me or comment me down below next time you spot Mamaearth product near to you. And I have a coupon code, guys. So use that coupon code and get 20% off on Mamaearth website. Go and grab it. Okay, अभी अपटाउन से मैंने और एक टॉप मंगवाया है और ऑरेंज कलर में, और ये टॉप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब बहुत सारे टॉप तो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आए, उसमें से ये एक है जो कि ऑरेंज कलर में है, और मैंने काफी टाइम से ऑरेंज कलर का कोई टॉप पेयर नहीं किया है, मतलब एकदम बेसिक सा जो प्लेन ऑरेंज होता है ना उस टाइप में, और ये मुझे दिखा तो मैंने इसे ऑर्डर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेकलाइन। लुक एट दिस, काफी सही नेकलाइन है और पीछे से आपको इस टाइप में कटआउट मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे अगेन इलास्टिक दिया हुआ है तो ये आपकी जो बॉडी उसके अकॉर्डिंग आपको हग करेगा। इसके स्लीव्स देखना कैसे है, इसके नेकलाइन देखना, अगर आप इस टाइप में कोई क्रॉप टॉप देख रहे हो ना आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें कलर्स है बट मुझे ये ऑरेंज कलर भी अच्छा लगा, इसमें और कलर्स रहेंगे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। इसका फिट काफी अच्छा है, इसकी नेकलाइन काफी अच्छी है, स्लीव्स भी बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से स्लीव्स दिए हुए हैं, सो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट है तो मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, और मैंने इसे परचेस किया है साइज स्मॉल में, डेफिनेटली चेकआउट करना, ये बहुत प्रिटी लगेगा। पीछे से नेकलाइन देखो कितनी प्यारी लग रही है, और नेक्स्ट ये वाला टॉप खोलते हैं। ओके, सो इसमें ब्लैक कलर का टॉप है और ये वाला टॉप आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, ये मैंने न्यूमी से परचेस किया है। और व्हाट आई लव इन दिस टॉप, लुक एट दिस, कितना प्यारा ये टॉप है, ये बिल्कुल बॉडी पे ऐसा ही रहता है। और ये जो बीच में नॉट दिया हुआ है ना आपको ये गले में डालनी पड़ेगी, इसका फैब्रिक इज टू गुड, और जो ये यहाँ का जो शेप है ना वो वैसा के वैसा ही रहता है। अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल टाइप में इस टाइप में शेप देखते हो ना एग्जैक्टली उनकी शेप्स वैसे नहीं रहते हैं, आप मीशो से या फिर कोई और प्लेटफॉर्म से ट्राई करोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा। इन्होंने बीच में ये रॉड डाले हुए हैं ताकि इसका लुक बिल्कुल वैसा आए, और इतना कंफर्टेबल लगता है, मतलब जितना ये फैंसी उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज इस पर ना ऊपर से नेट लगी हुई है, अंदर का फैब्रिक इज सो सॉफ्ट। आई रियली लव दिस टॉप, मतलब है ना मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इसको वेयर करके मैं एकदम कंफर्टेबल फील करूंगी, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। अगर इसमें भी कलर्स रहेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी होल लुक देख लेना आगे पीछे से कैसा लग रहा है, साइड से कैसा लग रहा है, मैं इसे वेयर करके आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँगी। ओके गाइस, सो एक टॉप है ना जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, अब मुझे देखना पड़ेगा ये वही टॉप है, बिकॉज मैंने ना दो पिंक कलर में परचेस किए हैं। ओके, सो ये यही टॉप है, अब इसकी इमेज देखना, डिसअपॉइंट किया मतलब फैब्रिक में इसमें कोई इशू नहीं है, बट वेयर करने के बाद ना वो वैसा वाला लुक नहीं आ रहा था। आप इसका नेकलाइन देखना जिस टाइप में दिया है, देखो ये लग तो वैसे ओके रहा है पर मुझे उतना मतलब वाव नहीं लगा कहीं से, ये बहुत प्रिटी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा इसमें। सो दैट्स वाई मैं इसे आप पे छोड़ूंगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, बट सही है, मतलब फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ सही है, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया। बाकी होल लुक फिट आप देख लो, मैंने ट्राई किया इसको ना थोड़ा लो राइज जीन्स के साथ पहनूं, एक्चुअली वो जीन्स लो राइज नहीं है, वो मुझे लूज हो गई है तो वो नीचे आ रही है, बट मुझे इसका लुक अच्छा लगा, ठीक है मॉडल के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो।
लुक देख लेना, और प्राइस भी इसकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। ओके सो अभी हम देखते हैं ब्लैक कलर का टॉप। ये पूरे हॉल वीडियो का वन ऑफ माय फेवरेट टॉप है, इतना ज्यादा प्रिटी है ये वाला टॉप, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब शायद से पता नहीं कैमरा इसको जस्टिस कर पाएगा या नहीं। फैब्रिक इसका ओके है, मतलब स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, बट लुक एट दिस ट्यूब टॉप, ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस ट्यूब टॉप। इसको ना आपको आगे से पूरे बटन डिटेलिंग मिलती है, और ये पूरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है। मैंने इसे ऑर्डर किया है स्मॉल साइज में, बट न्यूमी का ना कप साइज काफी छोटा होता है, और उनके मेरे पास उनकी इतनी सारी ड्रेसेस है ना, जब भी वो कप साइज मेंशन करते हैं उनका कप साइज छोटा ही होता है। पता नहीं मे बी उनकी मॉडल्स बड़ी पतली होंगी या फिर जो भी वर्डवेयर, बट ये टॉप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आप इसका पूरा लुक देखना, पीछे से कैसा लग रहा है, प्रॉपर स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है। और इसका ना सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, चेस्ट के यहाँ पे ना एक स्वीट हार्ट नेक बनता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। 10/10 दिस टॉप इज 10/10, आप इसे जरूर ट्राई करना, यू गोना लव दिस वन। मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा, इसमें कलर्स भी होंगे तो चेकआउट कर सकते हो, बट मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना मेरे पास, मुझे अभी दिख रहा है मेरे पास टोटल 3 ब्लैक टॉप बचे हुए हैं। पता नहीं इनके न्यूमी के पास ब्लैक के अलावा ऑप्शन नहीं है, और अपटाउन के पास ब्लू के अलावा ऑप्शंस नहीं है। सो अब नेक्स्ट टॉप देखना, आप इसकी इमेज देखना, इसमें ना बहुत सारे कटआउट्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, मैंने ब्लैक परचेस किया है। अब आप इस टॉप को देखना कि कैसा लग रहा है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है और लुक भी काफी अच्छा आ रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो इस टाइप में टॉप्स पहनने के लिए, बिकॉज मुझे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बहुत स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, और मैंने इसे परचेज किया है, लेट मी जस्ट चेक, मैंने इसे परचेज किया है स्मॉल साइज में, मुझे काफी अच्छे से ये फिट हुआ है, लुक भी काफी सही आ रहा है। पीछे से इसका लुक देख लेना कहाँ कहाँ पे कटआउट्स आ रहे हैं, सो मैं इसे रिकमेंड करूंगी। इसमें कलर्स भी रहेंगे तो मैं दे दूंगी, बहुत प्यारा है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन ब्लैक कलर का टॉप है, अभी हम देखते हैं ये कैसा है। दिस इज फ्रॉम अपटाउनी, और ये वन शोल्डर ऑफ शोल्डर टॉप है, सॉरी वन शोल्डर ऑफ है इसका। सो आप इसकी इमेज देखना, आई थिंक इसमें 3-4 कलर है, पिंक भी है इसमें और नियॉन कलर है जितना मुझे याद है, व्हाइट कलर है, ऐसे ऐसे इसमें कुछ कलर है, मैंने इसे ब्लैक परचेस किया है। मुझे इस टाइप में टॉप बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास है ना, आपको जल्दी से कहीं बाहर जाना है और कहीं पार्टी वेयर टॉप चाहिए, तो आप इस टाइप में टॉप इजीली पहन सकते हो। इसके नीचे ब्लैक डेनिम डाल दो जो कि टाइट फिटेड होती है, और ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है। मेरे पास इस टाइप में एक टॉप है जो कि मैं बहुत वेयर करती हूँ, बट मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था, तो मैं ऑन स्क्रीन वेयर करना ट्राई नहीं करती हूँ, सब लोग लिंक्स मांगते हैं, मेरे पास होते ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे दूँ। सो दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस टॉप। आप इसका लुक फिट देखना, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, साइड में स्टिच किया हुआ है, और या मतलब ऐसा कुछ इसमें है नहीं बोलने के लिए, और दिस इज फ्रॉम अपटाउनी, बिल्कुल ट्राई करना। ओ या गाइस, मैंने आपको बोला ही नहीं, ये मैंने न्यू लिया है अभी, उसके बाद में मैं शूट कर रही हूँ नेक्स्ट डे, और इसका भी लिंक मेरे कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, काफी सही है, मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया है। और अभी मैं और एक ब्लैक टॉप दिखाने वाली हूँ। दिल भरता नहीं आंखें ब्लैक से, ओके सो ये वायरल ब्लैक टॉप फ्रॉम अपटाउनी, आप इसकी इमेज देखना, पूरा बैकलेस टॉप है, मतलब पूरा नी नीचे से आपको वो आता है, बट इसमें क्या है ना कि आपको ये वाली साइड से बहुत स्किन विजिबल हो जाती है, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। और जिनकी ना हेवी बस्ट या फिर मीडियम बस्ट है ना, उनको वो इतना, मतलब मुझे नहीं पता आपकी चॉइस है, मतलब ठीक लग रहा था बट इतना नहीं लगेगा, मुझे तो ये अच्छा लगा, बट आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी हेवी बस्ट होंगे तो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि इसकी नेकलाइन काफ़ी ऊपर है, और पीछे से जो इसका लुक आ रहा है, ओ माय गॉड, बहुत प्रिटी है। आपको सिर्फ एक स्ट्रैप मिलती है, बहुत अच्छे से स्किन आपकी विजिबल होगी, बट आप कंफर्टेबल हो तो आप इसे ट्राई करना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, आप कोई भी पिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बाकी लुक और फिट आप देख लेना, मुझे काफी सही लगा तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी। ओके गाइस, सो अभी ये वाला पिंक टॉप बचा है, और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। ये वाला टॉप भी बहुत ज्यादा वायरल है, और मैंने इसे परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी आई थी। आई डोंट थिंक सो कि दैट इज फ्रॉम अपटाउनी और कोई और ब्रांड से था, बट बिल्कुल सेम था, व्हाइट कलर में मैंने ट्राई किया था, जब मुझे ये अपटाउनी पे दिखा तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया है पिंक कलर में, और आई रियली लव दिस टॉप, बहुत वायरल हो रहा है। इसकी जो
कट्स दिख रहे हैं, इसका जो लुक आ रहा है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप इसे बिल्कुल आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। और मैंने इसे ऑर्डर किया है स्मॉल साइज में और उल्टा ही पैक करके रखा है। इसकी नेकलाइन काफी सही है, आप चाहो तो इसे ऑफ शोल्डर पे वेयर कर सकते हो, चाहे तो आप जैसा रेगुलर है वैसा भी वेयर कर सकते हो, जिसे बीच में ना चेस्ट के यहाँ पे गैदर सा फैब्रिक हो जाता है, इससे लुक काफी इनहांस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस टॉप, मैं इसे रिकमेंड करूंगी और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। ओके गाइस, सो और एक टॉप बचा है और मैं तो भूल भी गई थी, विच इज फ्रॉम न्यू मी, बट जब अभी मैं अपना वार्डरोब समेट रही थी तो मुझे वो टॉप उसमें मिला। लुक एट दिस टॉप जो कि मैंने वेयर किया है, व्हाट आई लव इन दिस टॉप, दिस इज फ्रॉम न्यू मी ना। आप इसे ऐसा भी रख सकते हो और इफ यू वांट आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मेरे पास न्यूमी के इतने सारे टॉप हैं और पता नहीं मुझे उनके ब्लैक कलर के ब्लैक कलर इतने ज्यादा पसंद आते हैं। हर इसमें ना एक तो कंफर्टेबल बहुत होते हैं, बिल्कुल आपको कहीं से खींचेगा नहीं अनकंफर्टेबल सा, मैं इसको पहन के सो भी सकती हूँ, इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इनके फैब्रिक थोड़े नेटेड होते हैं बट नेक काफी सॉफ्ट होती है, कहीं से चुभती नहीं है। अब इसका पूरा लुक देखना, पीछे से आप इसको वो करना पड़ेगा, जो नॉड है वो गले में डालनी पड़ेगी और फिर पीछे से इलास्टिक लगा हुआ है, थोड़ा सा बैकलेस आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरा लुक मुझे इसका काफ़ी सही लगा, मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। और ये ना थोड़ा बटरफ्लाई टाइप में शेप देता है, विच इज टू गुड और आजकल बहुत ज्यादा इन है। और या तो आप पूरा लुक देख लो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। और चॉइस इज योर्स, 10/10 बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अच्छा गाइज, ये थे हमारे कुछ 15 टॉप्स फ्रॉम अपटाउनी एंड न्यूमी से। आई होप यू गाइज लव दिस कलेक्शन, मुझे पर्सनली बहुत प्रिटी लगे। बस एक पिंक वाला टॉप मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बाकी सारे टॉप्स बहुत अच्छे हैं। आई होप कि आपको मेरी चॉइस अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक करके जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मैंने इनके साथ जो भी बॉटम वेयर्स वेयर किए हैं, जो भी कुछ रहेगा मैं ट्राई करूंगी, मैं सबके लिंक्स आपको दूँ। और या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मच लव।